सभी को नमस्कार मैं योग शिक्षक प्रशांत शुक्ला आज एक विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं सबसे पहले सभी हम सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं कि वो हमें शक्ति प्रदान करें जिससे हम किसी भी प्रकार की बीमारी रोग और नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने में सक्षम हों गुरु वंदना करते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यान मूल गुरोर्मूर्ति पूजा मूल गुरो पदम मंत्रमूल गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तब्ददं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गायत्री गायत्रीमन्त्र बोलेंगे ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमह धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुच्छीय मामृतात् सभी को नमस्कार आप सभी इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है आ, मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है और आज मैं विशेष चर्चा में इसमें आमंत्रित किया गया हूं कि कोरोना से कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर हम लड़ सकते हैं या किसी भी बीमारी से हम कैसे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर लड़ सकते हैं आप सभी लोग अपना जो भी जहाँ पे भी हैं इस लाइव सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए अपने अपने स्थान पे अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि अगर हम साथ, साथ में अभ्यास करेंगे तो योग को हम और गहराई से समझ पाएंगे क्योंकि योग बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है और अगर इसको हम अभ्यास करेंगे क्योंकि इसमें नाइन्टी नाइन परसेंट अभ्यास से ही हमें अनुभव प्राप्त होगा किस तरीके से किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और किस तरीके से हम किसी भी विषाणु से लड़ सकते हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ अंत में आप सभी जो कुछ भी प्रश्न पूछेंगे उसका मैं योग के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करूंगा सबसे पहले योग की एक छोटी सी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं आप सभी लोग मेरे साथ अभ्यास भी करने के लिए तैयारी कर लीजिए जिससे और भी लाभ आपको प्राप्त हो आप नोट पैड भी रख सकते हैं जिससे आप जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं योग की परिभाषा क्या है और उससे रोग का निवारण कैसे हो सकता है वैसे तो योग साधना का विषय है साधना में अगर रोग हो जाए तो साधना संपन्न नहीं हो पाती योग के लिए रोग तो छोटी सी चीज़ है बहुत ही बहुत ही छोटी सी चीज़ अगर आप योग करते हैं तो रोग तो कहीं हो ही नहीं सकता आस पास भी कहीं भटक नहीं सकता है तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे और कैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में बहुत ही सरल सरल योगाभ्यास करके उसको अपने जीवन में अपना के सभी बीमारियों को दूर कर सकता है उसके विषय पे हम चर्चा करेंगे योग की है मैं परिभाषा बताऊं कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध सभी वृत्तियों का चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहा जाता है दूसरी परिभाषा है आत्मा से परमात्मा का मिलन लेकिन आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होगा उसके लिए एक परिभाषा है शरीर को श्वास से जोड़ना ध्यान से सुनिएगा शरीर को श्वास से जोड़ना श्वास को मन से जोड़ना मन को आत्मा से जोड़ना फिर आत्मा को परमात्मा से जोड़ना एक बार फिर से सुनिए शरीर को श्वास से जोड़ना यानी कि ब्रीथ बॉडी एंड ब्रीथ का कनेक्शन शरीर को श्वास से जोड़ना श्वास को मन से जोड़ना मन को आत्मा से जोड़ना और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना यह योग की एक परिभाषा है और अगर इसी परिभाषा को हम अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी ज़्यादा लंबा विषय न लेते हुए हम सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं आज का विषय है कोरोना महामारी जिससे सभी लोग भयभीत हैं और त्राह त्राह पूरे संसार में मच गया है और बहुत ही ज़्यादा संक्रामक है यह बीमारी जहाँ पे इस समय लोग तो आसपास बैठना क्या एक दो मीटर दूर ही रहना पसंद करते हैं तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं कैसे हम इसके साथ अपने जीवन यापन को संचारी संचार कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कोरोना के बारे में आप सभी जानते हैं किस तरीके से ये संक्रमक है और किस तरीके से यह फैलता है छूने से छींकने खांसने से सर्दी जुकाम हुआ तो उससे हो जाएगा मास्क लगाना ज़रूरी है साबुन से बार बार हाथ धोना जरूरी है 20 से 30 सेकेंड सैनिटाइज़र लगाना जरूरी है बॉडी को सेनेटाइज करना है घर को सेनेटाइज करना है सिटी को सेनेटाइज करना है फिर भी और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं देखिए ये विषाणु आज आया कल चला जाएगा फिर दूसरा कोई विषाणु आएगा वो इस तरीके से आप सभी को भयभीत करेगा तो सबसे अच्छा क्या है कि हम बाहर कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं बाहर क्या हो रहा है हम उसको अधिक ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए हमें अपने अंदर परिवर्तन करना चाहिए किस तरीके से परिवर्तन करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कोरोना अगर आप कोरोना शब्द को ध्यान से देखें तो इसी में इसका सारा आंसर लिखा हुआ है कोरोना केयर ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम कोरोना को अगर आप ध्यान से देखिए केयर ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम रेस्पायरेटरी ऑर्गेन्स केयर ऑफ रेस्पायरेटरी ऑर्गेन्स नेवर अवॉइड मतलब कि आपकी आपकी श्वसन तंत्रों केयर के करना है आपकी श्वसन अंगों का केयर करना है केयर ऑफ रेस्पायरेटरी ऑर्गेन्स कोरोना केयर ऑफ रेस्पायरेटरी ऑर्गेंस नेवर अवॉइड यानि कि उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है आपकी जो स्वतंत्र तंत्र है जो आपकी श्वास लेने का जो सिस्टम है उसी से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे इसको आप फिर से समझ सकते हैं कोरोना का मतलब आप इसको अगर एक इसमें सॉल्यूशन ढूंढिए तो कोरोना में ही सॉल्यूशन है केयर ऑफ रेस्पायरेटरी ऑर्गेंस नेवर अवॉइड यानी कि आपके श्वसन अंगों का केयर करना है कोरोना में होता क्या है कफ प्रवृत्ति बढ़ जाती है अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है अच्छी है आपकी जो अंदर की आर्मी है वो स्ट्रांग है तो किसी भी प्रकार के जो आतंकवादी गतिविधियां आपके शरीर में होने वाली हैं या हो रही हैं उससे वो अच्छे से लड़ सकती हैं तो कैसे लड़ सकते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ साथ में अभ्यास करेंगे साथ साथ में अभ्यास करेंगे बाकी आप सभी जो क्वेश्चन पूछते जाएंगे तो उससे और इंटरेक्टिव सेशन होगा और ज्यादा अच्छा लगेगा उस चीज को सॉल्व करने में सबसे पहली बात हमारे बॉडी में हम आपको योग और विज्ञान की भाषा दोनों भाषा को लेके चल रहे हैं योग की भाषा में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो तीन प्रकृतियां होती हैं और कफ जिसमें कफ प्रकृति कोरोना बीमारी में बढ़ जाती है यानी कि सर्दी जुखाम खांसी होने लगता है अगर नहीं भी होता है तो हमारा फेफड़ा कम धीरे धीरे हम सांस लेने में सक्षम नहीं रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर को नुकसान तो सबसे पहली बात है कि हम अपने चार ऑर्गेन्स को समझने की कोशिश करेंगे एक तो रेस्पायरेटरी सिस्टम हो गया श्वसन अंग दूसरा हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम तीसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम और चौथा है नर्वस सिस्टम ये चार सिस्टम है हमारे बॉडी को जो चार स्तंभ हैं इसी से हमारे बॉडी का पूरा सिस्टम चलता है रेस्पायरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम लेकिन ये चारों सिस्टम डिपेंड किस पे करता है रेस्पायरेटरी सिस्टम पे अगर कोई भी विषाणु आपके शरीर पे अटैक करता है तो हम अगर साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो यह सबसे पहले आपके रेस्पायरेटरी सिस्टम पे ही अटैक करेगा वो किसी न किसी माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करेगा वो तो या तो आपके नाक के माध्यम से मुंह के माध्यम से कान के माध्यम से आंख के माध्यम से स्पर्श के माध्यम से मलमूत्र द्वार के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करेगा इस प्रवेश को अगर हम रोक देते हैं जिससे कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए किसी के संपर्क में ज्यादा न रहिए सोशल डिस्टेंसिंग का तात्पर्य है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी कि जो फिजिकल स्पर्स है उससे दूर रहिए एक दो मीटर दूर रहिए जिससे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं छींकने पे खांसने पे थूकने पे वो आपके शरीर पे आपके श्वसन अंगों पे ना हो तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा अब हम एक एक करके आते हैं कि कैसे हम इसको स्ट्रांग करते हैं तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं स्ट्रांग करने की विधि के बारे में बताते हैं हमारे शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें लिम्फैटिक सिस्टम होता है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम से कनेक्ट है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता सीधे सीधे उसी से जुड़ी हुई होती है अगर हम इसको सक्रिय रख दें वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो सक्रिय हैं और शक्तिशाली हैं उसकी को हमारे अंदर की आर्मी कहते हैं अगर वो सक्रिय हैं और शक्तिशाली हैं तो किसी भी प्रकार का विषाणु हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर सकता है तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा तो इसको मजबूत करने के लिए क्या करें इसको मजबूत करने के लिए हमें अपनी रेस्पायरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा हमें अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करना होगा हमको अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करना होगा हमको अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करना होगा नर्वस सिस्टम की बात करते हैं योग में यह जीव है जगह जगह पे लिम्फैटिक नोट्स होते हैं एक्यूप्रेशर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं पॉइंट किस तरीके से कार्य करता है मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट वे में जिसको कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है बाकी अगर आप लोग प्रश्न पूछेंगे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अब हम बात करते हैं सबसे पहले नर्वस सिस्टम जिससे हमारी पूरी बॉडी कनेक्टेड है वो स्पाइन से जुड़ी हुई होती है या तो फिर आपके ब्रेन से तो ब्रेन को एक्टिव रखना ज़्यादा जरूरी है अगर आप भयभीत होते हैं अगर आप डरते हैं तो इसी से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी अगर आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं इससे भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी क्योंकि निगेटिव हार्मोन्स जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है वो सक्रिय हो जाते हैं उसका रिसाव बढ़ जाता है अगर आप तनावग्रस्त होते हैं तो उसका रिसाव बढ़ जाता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है इसलिए हमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें बस होने की आवश्यकता है वो जागरूक होने की आवश्यकता है तो हम अपने नर्वस सिस्टम को कैसे स्ट्रांग करेंगे एक एक करके हम बात करते हैं सबसे पहले अपना ब्रेन ब्रेन को स्ट्रांग करने के लिए अपने दोनों हाथों को रगड़िए अच्छे से दोनों हाथ को आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एक एक करके हम प्रैक्टिस करते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे अपने पूरे फेस पे लगाइए आपके लिम्फेटिक सिस्टम जितना भी है सब एक्टिव हो जाएगा इस तरीके से अपने फेस पे तीन बार लगाइए अभी आपको देखिए ताजगी महसूस होगा ये पहले आप इसको किए अब यहां से आपकी जो नाक है मुंह है आंख है कान है आपके फेस में सेवेंटी टू जो मसल्स हैं जो मसल्स है यहां पे लिम्फ नोड्स होते हैं यहाँ पे आप इसको अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं यहाँ पे सिंपल वेरी सिंपल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये एक्टिव हो जाएगा यानी कि आपको अगर आप इसको करिए जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है जिनका जब आप सो के उठते हैं आप देखिए तो आपके श्वसन अंग शांत होते हैं सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि म्यूकस आपके नाक में जम जाता है और अगर आप मुंह में भी जो आ, होते आपके शरीर की गंदगी होती है वो आपके शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करती है <notorized human work> लीवर का फंक्शन होता है आपके पेनक्रियाज का फंक्शन होता है पूरी बॉडी का रात भर फंक्शन होता है तो वो बाहर गंदगी जो भी है वो निकलने का प्रयास करता है तो वो इसको क्लीन करना बहुत ही जरूरी होता है इसलिए सबसे पहले सुबह उठते हैं तो हम सटकर्म क्रिया करते हैं यानी कि अपने शरीर का शोधन क्रिया करते हैं शोधन बहुत ही आवश्यक है सबसे पहले जब हम इसको एक्टिव करेंगे तो श्वसन अंग यहां पे देखिए क्लाकवाइज क्लाक वाइज -क्लाक रोटेट करें फिर आप ब्रीथ इन करिए देखिए आप ज्यादा ज्यादा से जादा ब्रीथ इन कर पाएंगे एक बार ट्राई करके आप खुद आप खुद देखिए नॉर्मल करिए जितना ले पा रहे हैं फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लाकवाइज एंटी क्लाक वाइज रोटेट करिए जिनको अस्थमा है जिनको सांस लेने में दिक्कत है रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है यहां से हम स्टार्ट करते हैं नाक से ही स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद आप ब्रीथिंग करिए देखिए आप अच्छे से ब्रीथ इन कर पाएंगे आप इसको साथ में प्रैक्टिस करिए तो यहाँ पे आपका फेस मसल्स को एक्टिव करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है उसके बाद सुपर ब्रेन योगा सुपर ब्रेन योगा में क्या करते हैं आपके जो ईयर हैं कान ये कान जो है यहाँ पे ढेर सारे नर्व ढेर सारे लिम्फाइटिक वेसल्स कनेक्टेड होते हैं जो आपके ब्रेन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल यानी न्यूरॉन्स का जो फंक्शन होता है वो आपके ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपके कान के पास से गए होते हैं पॉइंट तो आपके पूरे फेस में होता है लेकिन जो मेन पॉइंट होता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कैसे समझने का प्रयास करेंगे? ये जो कान है, इसको आप आउटवर्ड टू इनवर्ड प्रेस करिए आप मेरे साथ करके देखिए देखिए आपको एनर्जी ज्यादा फील होगा प्रेस देन आउटसाइड इनवर्ड साइड आउटसाइड कान को हल्का हल्का ऐसे से कान को पकड़ के हल्के हल्के से स्ट्रेच करिए आपके लिम्फ नोड्स को एक्टिव करता है आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है ब्रेन में एनर्जी की सप्लाई को इंक्रीज करता है आप करके देखिए इसको मेरे साथ करके देखिए प्रैक्टिस करिए बहुत ही इजी मेथड है आपके ब्रेन को एक्टिव करने का ठीक है आपकी पीनियल ग्लैंड चार्ज हो जाएगी कान को पूरा क्लाकवाइज एंटी क्लाकवाइज करिए ये आपका नॉर्मल एक्सरसाइज हो गया इसको आप पांच मिनट कर सकते हैं दो मिनट कर सकते हैं देन सुपर ब्रेन योगा लेफ्ट हैंड को आप लेफ्ट साइड से ले जाइए देन राइट हैंड को राइट साइड से ले जाइए ईयर लोब को आप स्ट्रेच करिए आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे सुपर ब्रेन योगा इसको गणेश आसन कहते हैं तो आप इसको स्ट्रेच इस करिए अपॉडी अपोजिट आप हैंड से स्ट्रेच करिए तो इससे क्या होगा आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक्टिव हो जाएगा हम यहाँ ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक्टिव हो जाएगा तो आपका नर्वस सिस्टम फास्ट वर्क करेगा रेस्पायरेटरी सिस्टम फास्ट वर्क करेगा तो दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होगा तो आपकी डब्ल्यू बढ़ेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा तो आप किसी भी विषाणु से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं आगे बात करते हैं हमारे शरीर के जितने भी ज्वाइंट्स हैं चाहे वो हाथ के हों हमारी रिस्ट के हों एल्बो के हों शोल्डर के हों हमारी स्पाइन की वर्डिब्रास हैं या सेक्रल रीजन की जो ज्वाइंट हैं पेल्विक ज्वाइंट्स हैं, नी ज्वाइंट्स हैं, एंकल ज्वाइंट हैं एंड फिंगर्स की ज्वाइंट है सारे ज्वाइंट्स को आपका मोमेंट कराना है कैसे कर सकते हैं ये। आप फिंगर के किए ज्वाइंट मोमेंट देन आप रिस्ट के किए ज्वाइंट मोमेंट एल्बो का ज्वाइंट मोमेंट किए तरह तरह से आप कर सकते हैं इसको आप डाउन करिए शोल्डर का यहां पे ढेर सारे लिम्फेटिक नोट्स होते हैं यहाँ पे ढेर सारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं हार्ट में होता है अपेंडिक्स में स्प्लिन में तो इसको आपको एक्टिव करना है एक्टिव करने के लिए आपको सारे जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं जितने भी ज्वाइंट मोवमेंट है जैसे मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करके बताऊंगा अभी और वेरी सिंपल जो सरल सरल अभ्यास है उसको करके मैं बताऊंगा जिसको आप कर सकते हैं तो आप जैसे शोल्डर मूवमेंट कर सकते हैं शोल्डर मोवमेंट करने से आपके जो शोल्डर के जो लिम्फ नोड साथ में जो हर्ट के लिम्फ नोड्स हैं, वो भी लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है वो सक्रिय हो जाएंगे। देखिए, इस तरीके से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे देन आप स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे ब्रीद इन किया दोनों हाथ को ऊपर करेंगे स्ट्रेच करेंगे पूरा देन ब्रीद आउट करके स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे अगेन इन किया जब ब्रीद इन करेंगे स्ट्रेच करेंगे तो आपका ये डायफ्राम डायफ्राम जो है अच्छे से स्ट्रेच होता है ब्रीद लंग्स में अच्छे से जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है इंक्रीज होती है तो ब्रीद इन किया स्ट्रेच किया एंड ब्रीद आउट करके स्पाइन को ट्विस्ट किया तो आपकी जो स्पाइन की जो भी अनवांटेड मटेरियल्स हैं जो भी हैं वो सब आपके बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे टेन टू ट्वेंटी काउंट आपको एक पोजिशन में होल्ड करके रखना है एक एक पोजिशन में अब ठीक इसी तरीके से आपने पैर से भी एक्सरसाइज कर हेडफोन निकाल के देखिए सबसे पहले हम आपको जो जितने भी एक्सरसाइज है आसनाज हैं, क्योंकि आसनों से क्या होता है हमारा बॉडी में स्ट्रेंथ आता है हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ आने से तो हम कोई भी प्राणायाम कोई भी एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं तो आसन कौन कौन से हम कर सकते हैं योग के आसन जिसको हम आसानी से करके अपने रेस्पायरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नॉर्मल एक्सरसाइज में ब्रीदिंग किया रिलैक्स विदाउट ब्रीद करके आप किया ब्रीद किया रिलैक्स जब भी आपको ब्रीथ की प्रॉब्लम हो आप देख के करके देखिए इसको जब आपने ब्रीथ को इन करके अपने नेक को स्ट्रेच करेंगे तो यहां पे जो आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम है वो सक्रिय हो जाता है आपके थायराइड ग्लैंड पे प्रेशर पड़ता है यहां पे थायराइड ग्लैंड पे प्रेशर पड़ता है तो आपका जो नर्वस सिस्टम है रेस्पायरेटरी सिस्टम है दोनों एक साथ एक्टिव होता है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं देखिए एक बार फिर से करते हैं रिलैक्स आउट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड यहां पे जो टॉन्सिल्स है आपके और थायराइड ग्लैंड है वो सक्रिय होंगे इसको योग की भाषा में विशुद्धि चक्र कहते हैं बहुत ही पावरफुल ये चक्र होता है इस तरीके से आप नेक की एक्सरसाइज कर सकते हैं रोटेशन कर सकते हैं सबसे पहले आपकी बॉडी में आपको अपने ब्रेन को एक्टिव करना होता है अगर आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा तो आपकी जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन अच्छे से होगा और आप किसी भी विषाणु से लड़ने में सफल होंगे आराम आराम से करेंगे अब इसके बाद क्या करेंगे मैं आपको थायरॅड ग्लैंड को स्ट्रांग करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए एक और एक्सरसाइज बताता हूँ ब्रीदिंग करके आसन का अभ्यास करते हैं जिससे आपका ये ग्लैंड स्ट्रांग होता है फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ती है और पूरा फेस मसल एक्टिव होता है इसमें क्या करते हैं जीव को बाहर निकालते हैं और स्ट्रेच करते हैं माउथ को थ्री टाइम्स करेंगे इससे क्या होगा लार ग्रंथियां एक्टिवेट होंगी और आपकी श्वसन अंग स्ट्रांग होंगे एक बार और किया फेस के सारे मसल्स एक्टिव होंगे इसके बाद में एक बार साउंड के साथ करेंगे ग्लैंड ग्लेंद स्ट्रांग होगा इसको करने से एक बार हम आवाज के साथ करते हैं कैसे सिंह आसन का अभ्यास सभी रोगों को समाप्त करने की इसमें शक्ति होती है सिंहासन का अगर आप प्रत्येक दिन अभ्यास करते हैं तो सभी प्रकार की बीमारियां इससे ठीक होती हैं सिंहासन जैसे एनिमल्स करते हैं अगर आप उनको देखेंगे कि सुबह सुबह अपनी बॉडी को एक्टिव करने के लिए वो अपनी माउथ की स्ट्रेचिंग करते हैं सबसे पहले फिर बॉडी की स्ट्रेचिंग करते हैं अपनी स्पाइन की स्ट्रेचिंग करते हैं अगर आप किसी डॉग को सुबह सुबह देखिए, तो अपनी वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इन्हीं सब सिंपल सरल तरीकों का अभ्यास करते हैं एक बार फिर से करते हैं ये सिंहासन का अभ्यास है अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपको गले में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी खराटे नहीं आएंगे रेस्पायरेटरी सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा उत्तान मंडू का आसन आपको करके बताते हैं एक आसन और सरल आसन फिर मैं आपको प्राणायाम के बारे में चर्चा करूंगा और आप सभी कोई भी प्रश्न पूछ भी सकते हैं किसी भी बीमारी से संबंधित ब्रीदिंग कर किया स्ट्रेच एंड दोनों शोल्डर को होल्ड करेंगे दोनों शोल्डर को होल्ड करिए और ट्वेंटी काउंट काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स एक बार फिर से करेंगे ये आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम को ठीक करता है फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को ठीक करता है और आपके फेफड़े को सक्रिय करता है एक बार फिर से करेंगे ब्रिदिंग ब्रिदिंग किया स्ट्रेच एंड फोल्ड योर शोल्डर अपोजिट हैंड स्ट्रेच फेफड़े को आपके पूरे सक्रिय करेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब आपको जिसे ये आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के सारे एक्सरसाइज हुए कुछ एक्सरसाइज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मैं बता रहा हूं कि आप बहुत ही सरल अभ्यास इसको ट्राई करिए इस तरीके से दोनों पैर को पास पास करिए और बैठने की कोशिश करिए अगर आप इस तरीके से बैठ लेते हैं तो यानी कि आपका पेट स्वस्थ है पेट की चर्बी ज्यादा नहीं है आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं 20 काउंट तक होल्ड करके बैठेंगे बहुत ही सरल है और किसी का भी पेट बाहर निकल रहा हो तो पेट को कम करने का बहुत ही आसान तरीका है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अगर इसमें आप और एडवांस करना चाहें तो इसमें आप राइट हैंड को पीछे करके लेफ्ट हैंड से क्रॉस करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन राइट हैंड को आप करेंगे इन करके देन लेफ्ट साइड से क्रॉस करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स ये जो क्रिया है ये आपकी पेट को भी कम करता है पेट की चर्बी को कम करता है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ब्रीज को भी फिट करता है इसके बाद कुछ और आसन है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं जैसे बटरफ्लाई बटरफ्लाई आपके यहाँ की लिम्फ नोड्स को एक्टिव करता है सक्रिय करता है बटरफ्लाई करेंगे इस तरीके से बटरफ्लाई करते हैं तो इससे भी हमारा लिम्फ नोड आपके जो थाइस के हैं पेल्विक ज्वाइंट्स में होते हैं वो सक्रिय होते हैं एक्टिव होते हैं देन आप दोनों हाथ से अपने दोनों नीज को प्रेस कर सकते हैं इस तरीके से आप बहुत ही सरल सरल अभ्यास करके काफ मसल्स ये सेकेंड हार्ट बोला जाता है यहाँ पे काफी लिम्फ नोड्स होते हैं इसको सक्रिय करके आपने सर्कुलेट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं काफ मसल्स को इसकी भी कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं कैसे कर सकते हैं इसको आप इस तरीके से बैठिए दोनों पैर के अंगूठे पे बैठने की कोशिश करिए इससे आपके काम मसल्स सक्रिय होते हैं एक्टिव होते हैं दोनों पैर के अंगूठे पे बैठने की कोशिश करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट रिलैक्स। और काफ मसल्स को एक्टिव करने के लिए आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं ये इस तरीके से किया आपने पैर के पंधे को रखा अप एंड अप एंड डाउन 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 इस तरीके से आपने काफ मसल्स को बहुत ही सरल अभ्यास है जिसको करके आप बहुत ही सरल अभ्यास है जिससे आप इस सिस्टम को एक्टिव कर सकते हैं इसके बाद अभी प्रश्न आ गया है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कुछ बताइए इसके बारे में बताऊंगा लेकिन उसके पहले मैं कुछ प्राणायाम में भी करूंगा सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं आप एक दो आसन में और करके बता देता हूं कोरोना के लिए मैं एक दो आसन और करके बताता हूँ फिर ब्लड प्रेशर पे हम चर्चा करेंगे एक दो आसन में और बता देता हूँ कैसे करते हैं जैसे भुजंग आसन है ये आप अभ्यास कर सकते हैं भुजंग आसन कहा जाता है कि सभी रोगों को नाश ठीक करता है सांस खींचेंगे ब्रीदिंग करेंगे एंड होल्ड करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इससे आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है बैक पेन में लाभ मिलता है बहुत ही ज्यादा बैक पेन के लिए बेनिफिशियल है एक बार फिर से करेंगे रिलैक्स ये अभ्यास आप कर सकते हैं ये मैंने बहुत ही बताया अब हम चर्चा करते हैं आप लोगों के ये जितने भी आसन हैं आप इसका अभ्यास कर सकते हैं जितने भी बैकबेंडिंग पोस्चर होते हैं वो आपके रेस्पायरेटरी सिस्टम को एक्टिव करते हैं इसका आप अभ्यास करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को आसानी से बढ़ा सकते हैं एक आसन मैं और बताऊंगा जो काफ़ी इफेक्टिव होता है उसको भी ऐसे करते हैं बहुत ही ईजी है सिंपल है ये आसन होता है इस तरीके से आप आसन का अभ्यास करके आप इसको देख लीजिए बहुत ही इजी है और इसका अभ्यास आप करके जो यंग लोग हैं वो जो थोड़ा फिट है वो उसका अभ्यास करके अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा एक्टिव कर सकते हैं ये अभ्यास आप करके पे हम आते हैं इसके अलावा जो को और कोरोना में जो जो आप प्राणायाम कर सकते हैं उसमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग है कपाल भांति क्रिया है कपाल भांति क्रिया का अभ्यास करके मैं बता देता हूं कपाल भांति क्रिया से कफ समाप्त होता है और आपकी स्टेमिना बढ़ती है ब्लड प्रेशर होता है बैक पेन होता है और पेट में किसी भी प्रकार इन्फेक्शन होता है या टेंशन माइग्रेन की प्रॉब्लम ज्यादा है तो उनको नहीं करना चाहिए कपाल भांति अभ्यास तो कपाल भांति कैसे कर सकते हैं कोई भी ये कर सकता है जिनको ब्लड प्रेशर माइग्रेन या ये सब प्रॉब्लम उनको नहीं करना होता है ब्रिद आउट करेंगे नाक से और पेट अपने आप अंदर जाता है ब्रिद आउट इस तरीके से आपको नोज से ब्रीद आउट करना है पेट अपने आप अंदर जाएगा बार बार अपना पूरा फोकस आपको नोज पे रखना है ब्रीद आउट नोज से करेंगे पेट अंदर जाएगा इसको कपाल भांति का अभ्यास करते हैं दूसरा अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम भी कोरोना में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है अभी ढेर सारे रिसर्च हुए हैं ढेर सारे लोग योग में योग का अभ्यास करके कोरोना से उनकी स्टोरीज न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स निकल रहे हैं आप उसको पढ़ सकते हैं उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कोरोना से जीता है अपने लाइफ को फिट किया है तो उसके लिए भस्तिका प्राणायाम कपाल भांति प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और सबसे ज्यादा जो अभी देखा जा रहा है उसमें सटकर्म में जलनेती कुंजल क्रिया का अभ्यास और अबडोमिनल ब्रीदिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है तो उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा फिर आपके क्वेश्चंस पे मैं आऊँगा अनुलोम विलोम कैसे करते हैं भस्त्रिका के बारे में पहले बताता हूं ब्रिदिंग किया इस तरीके से कपाल भांति क्रिया का और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं इससे आपके शरीर का तापमान बढ़ता है फैट रिड्यूस होता है रेस्पायरी और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अच्छा आपकी पाचन शक्ति काफी अच्छी हो जाती है फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप इस तरीके से पांचों उंगलियों को करेंगे दो उंगली को मोड़ लेंगे और इस तरीके से लेफ्ट से ब्रीदिंग किए होल्ड किया राइट से ब्रीद आउट करेंगे होल्ड किया राइट से ब्रिद इन करेंगे होल्ड किया लेफ्ट ब्रिद आउट करेंगे होल्ड किया लेफ्ट से इन करेंगे होल्ड किया राइट ब्रिद आउट करेंगे होल्ड किया तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम कपाल भांति प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम और आप अपनी ब्रीथ होल्डिंग कैपेसिटी भी चेक करिए अगर आप 45 सेकंड से ज़्यादा ब्रीथ होल्ड कर पाएंगे तो आपके फेफड़े में लंग्स में और आपकी रेस्पायरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम ना होने की संभावना है यानी कि किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम अब एक एक करके हम प्रश्न पे आते हैं और कोरोना में जो अभी ढेर सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स मिल रहे हैं जिन्होंने कोरोना को अपने अंदर महसूस किया और उससे योग के माध्यम से ठीक हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो कुंजल क्रिया का अभ्यास है यानी कि वमन क्रिया वमन क्रिया मेंटी सिस्टम को क्लीन करते हैं ये आप मेथड समझ लीजिए जिनको कोरोना होता है उनको अपनी ब्रीथ को अच्छा करना बहुत ही आवश्यक होता है तो कोरोना जिनको भी है वो सुबह खाली पेट पाँच दस पाँच से छः ग्लास पानी पियेंगे गुनगुना पानी नमक के साथ हाँ जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको ध्यान रखना है वो योग टीचर से संपर्क करके ही अभ्यास करेंगे और उसमें क्या करेंगे कि आप पानी को पियेंगे पूरा बैठ के इस तरीके से आप देख लीजिए जिनको कोरोना है या उनको संभावना है जिनको वो अभ्यास कर सकते हैं पानी को पाँच से छः ग्लास पियेंगे और पूरा फिर मिडिल फिंगर को मुंह में अंदर डाल के पूरा वॉमिट कर देते हैं पूरा पानी को बाहर निकाल देते हैं इसको योग की भाषा में कुंजल क्रिया कहते हैं इससे आपका पूरा कफ और पित्त की प्रॉब्लम जो होती है ठीक हो जाती है और आपकी रेस्पायरेटरी सिस्टम काफी अच्छी हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर में इस अभ्यास को नहीं करते हैं या किसी योग टीचर की देखरेख में ही इसका अभ्यास करते हैं पहला प्रश्न है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कुछ बताइए देखिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला अभ्यास जो है वो सारे ज्वाइंट मोमेंट का अभ्यास करिए जो किसी भी एज के जैसे दूसरा उसका प्रश्न है सत्तर साल से ऊपर के लिए बताइए तो कोई भी जो सत्तर साल के अधिक उम्र का भी व्यक्ति है वो अपने सारे ज्वाइंट मोमेंट कर ही सकता है यानी कि हाथ को बंद करना खोलना रिस्ट को क्लाक वाइज एंटी क्लाक वाइज रोटेट करना एल्बो की एक्सरसाइज स्पाइन की सिंपल एक्सरसाइज सत्तर अस्सी साल तक नब्बे साल तक लोग कर सकते हैं आसानी से पैर के ज्वाइंट मोमेंट स्पाइन के ज्वाइंट मोमेंट इसको सभी अभ्यास कर सकते हैं क्योंकि ज्वाइंट मोमेंट करने से सबसे पहली बात तो सारा बॉडी एक्टिव होता है दूसरा कि जो भी अनवान्ट मटेरियल्स हैं टॉक्सिन हैं वो बाहर निकलते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर दो पर दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है हाइपरटेंशन से ये कंट्रोल हाइपरटेंशन uh, से ये रिलेटेड होता है अगर हाइपरटेंशन में हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको अपने ब्रेन को कूल cool डाउन करना है यानी कि शीतली प्राणायाम शीतकारी प्राणायाम चंद्रभेदी प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम और मैं एक ही बहुत बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीका बता रहा हूँ इसको आप जरूर करिएगा तो ब्लड प्रेशर में इसको करके आप मशीन लगा के चेक करिएगा बीस बार इसको प्रैक्टिस करिए और आप देखेंगे कि तुरंत प्रेशर हो उसमें बेनिफिट देता मैक्सिम जुड़े हुए हैं तो आप इसको मशीन लगा के चेक भी कर सकते हैं और आप हमको कमेंट कर सकते हैं बाद में तो क्या करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के जो भी पेशेंट हैं उनको क्या करना है तेज के नोज से तेजी से ब्रिदिंग करेंगे मैक्सिमम जितनी कैपेसिटी होगी आप इसको ध्यान से आप इसका एक्सपेरिमेंट करके आप इसको बताइएगा कितना ज्यादा ये लाभ देता है हाई ब्लड प्रेशर के लिए ब्रिदिंग किया नोज से और तेजी से मुंह से ब्रीद आउट करेंगे दस बार तो आप इसको 10 से 20 बार करिए पहले आप चेक कर लीजिए ब्लड प्रेशर की रीडिंग 20 बार अभ्यास कर लीजिए फिर ब्लड प्रेशर की रीडिंग लीजिए आपको निश्चित ही डिफरेंस दिखेगा लो ब्लड प्रेशर में क्या में गर्म हवा आपके मुंह से बाहर निकलना चाहिए लो ब्लड प्रेशर में क्या करना होगा लो ब्लड प्रेशर में आपको मुंह से धीरे धीरे ब्रीथ को आउट करना होगा इन किया आउट। यानी कि ठंडी हवा को आपके मुंह से बाहर निकालना है फिर से करेंगे ब्रीदिंग किया ब्रीद आउट ये लो ब्लड प्रेशर के लिए आप 20 बार कम से कम 20 बार प्रैक्टिस करिए हाई ब्लड प्रेशर के लिए तेजी से ब्रीद आउट करना है ध्यान रखिएगा हाई ब्लड प्रेशर के लिए तेजी से ब्रीद आउट करना है गर्म हवा मुंह से बाहर निकलनी चाहिए लो ब्लड प्रेशर के लिए धीरे धीरे ब्रीद आउट करना है और ठंड चाहिए दूसरा अभ्यास है चंद्र वेदी प्राणायाम ये शरीर को शीतल करता है और हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ही ज्यादा फायदा करता है चंद्र वेदी प्राणायाम कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं इसी तरीके से नासागर मुद्रा करते हैं देन लेफ्ट से इन करेंगे राइट से ब्रिद आउट करेंगे लेफ्ट से इन करेंगे राइट से ब्रिद आउट करेंगे लेफ्ट से इन करेंगे राइट से ब्रिद आउट करेंगे लेफ्ट करेंगे करेंगे। इसको चंद्रवेदी प्राणायाम कहते हैं और ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए आप इसको मिनट अभ्यास कराइए, फिर आप मशीन लगा के इसको चेक कर सकते हैं ब्लड प्रेशर में तुरंत लाभ देता है चंद्रवेदी प्राणायाम मैंने जो उसके बाद इसके पहले मैंने अभ्यास बताया उसको अभ्यास करना है शीतली शीतकारी प्राणायाम क्योंकि सभी मैक्सिमम इसमें डेंटिस्ट हैं डेंटल से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं तो आप दांत के लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है आपके टीथ के लिए और हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है शीतली और शीतकारी प्राणायाम है तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है जो मैं अभ्यास बताने जा रहा हूँ इसको आप देखिए आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं और शीतकारी प्राणायाम में कैसे करते हैं अभ्यास मुंह को रोटेट करते हैं राउंड करते हैं और मुंह से इन करते हैं होल्ड करते हैं नाक से धीरे धीरे ब्रीद को आउट करते हैं नाक से बाहर निकालेंगे ये प्राणायाम हुआ और शीतकारी प्राणायाम कैसे करते हैं स्माइल जैसे करते हैं उस तरीके से करेंगे दिन करेंगे और नाक से बाहर निकालेंगे नाक से विद नाक से विद आउट नाक से विद आउट तो मैंने हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैंने बताया क्या क्या बताया पहला सांस मुंह से बाहर निकालना है तेजी से गर्म हवा को बाहर निकालना है दूसरा अभ्यास चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास जिसमें लेफ्ट से ब्रीदिंग करते हैं और राइट से ब्रिद आउट करते हैं लगभग पाँच से दस मिनट इसका अभ्यास करेंगे शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास दस से पंद्रह बार प्रत्येक दिन करिए और चंद्रभेदी अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करिए प्रेसर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा आप इसको अभ्यास करके चेक करके हमको आप कमेंट कर सकते हैं निश्चित ही आपको तुरंत लाभ इसका दिखेगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं सबके पास मशीन होगा तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ जिनके भी घर में ऐसे लोग हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको कराइए चंद्रभेदी प्राणायाम शीतली शीतकारी प्राणायाम और जो मैं मुंह से ब्रीथ आउट करने के लिए बोला था तेजी से ट्वेंटी टाइम्स इसको करिए और तुरंत आप रिजल्ट को देख सकते हैं यह अभ्यास किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं ध्यान रहेगा कि लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर में डिफरेंस है तो दोनों में सावधानी रखेंगे कि किस तरीके से ब्रीथ को आउट करना है किस तरीके से ब्रीथ को इन करना है इसमें आ, सत्तर साल से ऊपर के लिए बताइए सत्तर साल से ऊपर और डायबिटिक लोगों के लिए आसन बताइए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि डायबिटिक लोग हैं और सत्तर साल से ऊपर हैं तो क्योंकि मैं लखनऊ में और बाहर भी सत्तर साल से अधिक उम्र के लोगों को योग के बारे में बताया हूँ तो उसी आधार पर जो वो लोग अभ्यास कर सकते हैं कौन कौन से आसन उन्होंने किया और किस तरीके से अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल किया वो आसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखिए बहुत ही सरल अभ्यास है कोई भी इस अभ्यास को कर सकता है और लाभ प्राप्त कर सकता है जो सत्तर साल से अधिक उम्र के हैं वो भी इस अभ्यास को कर सकते हैं अगर किसी के घुटने में समस्या है और उनको डायबिटीज़ है तो वो किस तरीके से अभ्यास करेंगे इस तरीके से बैठ जाएंगे या नाभि के पास अपने दोनों हाथ को लगाएंगे देन ब्रीद आउट करते हुए आगे की ओर बैंड करेंगे इससे पैनक्रियास पे प्रेशर पड़ता है बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है और इंसुलिन का सेक्रेशन फास्ट हो जाता है या उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है जिससे डायबिटीज का मैनेजमेंट आसानी से हो जाता है ध्यान रहेगा कि जिससे कमर में दर्द है वो आगे झुकने वाला अभ्यास नहीं करेंगे तो उनके लिए मैं कुछ अभ्यास बता रहा हूँ जिससे वो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं आप सभी अपने इस लाइव सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे जिसके भी जो प्रश्न है वो बाद में कमेंट कर सकते हैं दोनों पैर को आगे करेंगे एक पैर को मोड़ेंगे लेफ्ट या राइट लेग को मोड़ेंगे अपोजिट हैंड को पीछे करेंगे राइट right हैंड को अगर राइट right लेग को आपने बैंड किया है तो लेफ्ट हैंड को आप करेंगे क्रॉस करके आप वक्रासन का अभ्यास करेंगे यह अभ्यास सत्तर साल से अधिक उम्र के लोग भी कर सकते हैं इस अभ्यास को करने से सीधे आपके डाय पड़ता है और डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा लाभ देता है इस तरीके से दोनों साइड अभ्यास आप करिए 22 30 count, आप इसको करेंगे वक्रासन का अभ्यास अभ्यास दूसरा है है जिनको कमर में दर्द घुटने में भी दर्द है तो कौन सा अभ्यास डायबिटीज के लिए कर सकते हैं उसको भी मैं बता रहा हूं उसके लिए आप लेट जाएंगे सामान्य और लेटने के बाद आप दोनों घुटनों को नाक में टच कराएंगे इसको पवन मुक्त आसन कहते हैं इससे गैस की समस्या भी ठीक होती है लेट जाएंगे और लेटने के बाद दोनों घुटनों को घुटने में भी दर्द है कमर में भी दर्द है डायबिटीज भी है तो पेट को भी कम करना है प्रॉब्लम भी नहीं बढ़ना है सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी ना बढ़े घुटने की प्रॉब्लम भी ना बढ़े बैकपेन की भी प्रॉब्लम ना बढ़े तो उसके लिए आपको दोनों पैर को क्लोज करना है नाक के पास इस क्रिया का अभ्यास 10 से 15 बार करेंगे ब्रिद आउट करके पैर को क्लोज करेंगे फिर से एक एक पैर से भी अभ्यास ये कर सकते हैं आराम से इस तरीके से जिनको घुटने में दर्द है और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास करके आसानी से डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं प्रत्येक दिन अगर आप वो मंडू वक्रासन और इस क्रिया का अभ्यास 10 से 15 से 20 बार प्रत्येक दिन करते हैं कपाल भांति प्राणायाम वस्त्री का प्राणायाम लेकिन आपको सावधानी यह रखनी है कि उनकी जितनी भी बीमारियां हैं डायबिटीज़ है बैक पेन है हाई ब्लड प्रेशर है उन सभी बीमारियों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि अगर डायबिटीज है और वो कपाल भांति और भस्ती का प्राणायाम करते हैं डायबिटीज तो नियंत्रित हो जाएगा लेकिन डायबिटीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर से नुकसान हो जाएगा तो इसलिए ध्यान रखना है कि उनकी बीमारियों को सबसे पहले समझेंगे कि उनको कौन कौन सी बीमारियां हैं सारी बीमारियों तब तक योग की चिकित्सा नुकसानदायक हो सकती है इसलिए योग टीचर से प्रॉपर परामर्श लेके ही योगाभ्यास करना चाहिए आप सभी किसी भी पेज को लाइक कर सकते हैं या तो इस पेज के माध्यम से आपने प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पे जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो हमसे प्रश्न पूछेंगे मैं फिर उसका जवाब आप सभी को जरूर दूंगा डायबिटीज के लिए मैंने वाह श्रीवास्तव जी मैंने बता दिया कि डायबिटीज के लिए ये अभ्यास आप कर सकते हैं सर योग करने का सही टाइम क्या होना चाहिए एक प्रश्न है योग करने का सही टाइम क्या होना चाहिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका भी मैं जवाब देता हूं योग करने का सही टाइम आपको जानने के लिए आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि आपको कौन सा योग करना है क्योंकि योग का विषय जो नहीं जानते हैं वो सोचते हैं योग को सिर्फ हम खाली पेट ही अभ्यास कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है हमें ये जानना होगा कि हमें कौन सा योगाभ्यास करना है योग बहुत बड़ा विषय है हमें इसको जानना होगा जैसे खाना खाने के बाद कोई भी पेट पे प्रेशर पड़ने वाला ब्रीथ की फास्ट एक्सरसाइज नहीं करते हैं लेकिन सुबह योगाभ्यास करने का सबसे अच्छा समय होता है क्योंकि उस समय योग के अनुसार पांच प्रकार के प्राण होते हैं तीन प्रकार के शरीर होते हैं सूक्ष्म स्थूल और कारण शरीर पांच प्रकार के प्राण होते हैं उदान प्राण प्राण समान प्राण अपान प्राण और पूरे शरीर में जो प्राण होता है उसको प्राण कहते हैं पंच प्राणों का संतुलन होता है तो किसी भी प्रकार का रोग आपको नहीं हो सकता है तो सबसे ज्यादा जो लाभदायक होता है योगाभ्यास करना वो आपको सुबह योगाभ्यास करना सबसे अच्छा होता है जिस समय ताजी हवा चलती हो मंद हवा चलती हो सूरज की किरणें उग रही हो सूरज आ रहा हो और उसके बाद आप उस समय ढेर देख सारे देखें क्योंकि उस समय प्राण का प्रवाह बहुत ही ज्यादा होता है और पॉल्यूशन का लेवल बहुत कम होता है उस समय जितनी भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे जितने भी आप आसन करेंगे आपकी बॉडी उस समय ज्यादा एक्टिव होगी और ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी अगर आप उस समय अभ्यास करेंगे तो इसका एक कारण और है कि रात भर आपके शरीर में जो भी गंदगी होती है आप उसको बाहर निकाल के फिर अभ्यास करिए तो ये ज़्यादा लाभ देगा दूसरा अभ्यास ये नेचुरल क्लॉक के अनुसार आपका जो नेचर का क्लॉक है तीन बजे हमारा लंग्स एक्टिव हो जाता है जिनको ब्रोंकाइल अस्थमा वगैरह हो अगर आप उनको देखिए आप सभी देखेंगे देखे भी होंगे कि वो सुबह तीन बजे खांसने लगते हैं यानी कि वो बताते हैं समय हो गया है नेचर क्लॉक सेट है और उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है तो तीन बजे ब्रोंकाइल अस्थमा के पेशेंट को अगर आप देखेंगे तो श्वसन अंगों की जिनको बीमारी है उनका फेफड़ा एक्टिव होने का प्रयास करता है उनको खांसी बार बार आने लगती है या उनकी श्वास की गति तीव्र हो जाती है या किसी भी सामान्य व्यक्ति की भी ब्रीथ की गति जो होती है वो फास्ट हो जाती है ब्रह्म मुहूर्त या भोर में तो सबसे अभ्यास अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है सुबह का होता है लेकिन इस समय जो व्यस्त दिनचर्या है अगर आपको योगाभ्यास करना है तो आप शाम को भी अभ्यास कर सकते हैं शाम को अभ्यास करने के लिए आपको सावधानी यह रखनी है कि आपको कम से कम दो या तीन घंटे का गैप हो खाने का यानी कि आपका जब पेट खाली रहेगा तो आप आसन और प्राणायाम तो हम खाने के बाद अभ्यास करते हैं तो वो कर सकते हैं योगाभ्यास तो बहुत होते हैं मंत्र योग है लय योग है ध्यान है प्राणायाम है और बहुत से ऐसे प्राणायाम और आसन भी है जैसे आप वज्रासन का अभ्यास किसी भी टाइम कर सकते हैं गोमुख आसन का अभ्यास किसी भी टाइम कर सकते हैं शवासन का अभ्यास किसी भी टाइम कर सकते हैं और चेयर आसन उत्कट आसन का अभ्यास किसी भी टाइम कर सकते हैं बहुत ऐसे आसन का अभ्यास जिसको आप किसी भी टाइम कर सकते हैं तो हमें इन भ्रांतियों को भी दूर करना होगा कि हमें खाना खाने के बाद योगाभ्यास नहीं करना है हमको सोने से पहले योगाभ्यास नहीं करना है हमको सुबह ही योगाभ्यास करना है क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग तो सुबह उठ ही नहीं पाते तो योगाभ्यास कैसे करेंगे तो उनके लिए आसान तरीका यह है कि वो अपने शरीर के अनुसार उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार योगाभ्यास का चुनाव करें खाना खाने के बाद भी आप वज्रासन स्वस्तिक आसन गोमुखासन और उत्कट आसन सवासन का अभ्यास कर सकते हैं और ये आपको लाभ पहुंचाएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है शैली महाजन मैम का सर बच्चों को योग कराने की सही एज क्या है ये तो ऐसा प्रश्न आपने पूछ लिया कि आ, मैं आपको बताऊं कि जो सही एज योगाभ्यास कराने का है वो एक से डेढ़ साल में वो कर सकता है योगाभ्यास मेरी भतीजी है वो डेढ़ साल की है वो अच्छा योगाभ्यास करना प्रारंभ कर दी है और मैंने उसकी पिक्स भी अपना स्टेटस लगाया हुआ है फेसबुक पे डाला हुआ है तो एक से डेढ़ साल के एज के बच्चे योगाभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं वो सिंपल धनुरासन का अभ्यास स्ट्रेचिंग की अभ्यास प्राणायाम का अभ्यास मंत्रों का अभ्यास आसानी से अभ्यास कर सकते हैं आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि डेढ़ साल से कम उम्र को बच्चों को मैं योगाभ्यास कराता हूँ और योगाभ्यास तो मंत्र योग जो है गायत्री मंत मंत्र का उच्चारण महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण आप ये गर्भ से ही प्रारंभ कर सकते हैं बच्चा गर्भ में ही है तब से ही उसको योग का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा सकता है उसको योग की शिक्षा दी जा सकती है और भी आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं जो भी डाउट हो मुझे लगता है मैंने सभी के प्रश्नों का जवाब दिया है और बच्चों को कम उम्र के बच्चों को जैसे जो एक डेढ़ साल के बच्चे हैं उनको सिंपल पहले उनके जो गार्जियन है उनके साथ उनको बैठने की आदत डलवाइए जब भी कोई घर में योगाभ्यास करता हो तो जैसे मेरे घर में लोग हैं तो छोटे बच्चे हैं तो मेरे साथ बैठते हैं और बहुत कम एज के लोग जो बच्चे हैं वो योगाभ्यास प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं देख के ही करते हैं क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है देख के जो आस आसानी से सीखा जा सकता है फिर उसके बाद ध्वनि की स्पीड होती है दूसरी बात ध्वनि से सीखते हैं तो सबसे जो देखने की तीव्र गति है वो देख के ही कर सकते हैं सीखने की जो गति है वो देख के बहुत ही फास्ट होती है तो बच्चों को एक डेढ़ साल से के बच्चे जो हैं वो योगाभ्यास कर सकते हैं और गर्भ से ही बच्चे योगाभ्यास करना सीख सकते हैं अगर माँ योगाभ्यास करती है तो बच्चा योगाभ्यास सीखा हुआ पैदा होगा ये गर्भ संस्कार है ये हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में और भारत की परंपरा में इसका अभ्यास कराया जाता है किसी भी गर्भवती महिला को योग ऋषियों के पास भेज दिया जाता था या ऐसे माहौल में डाल दिया जाता था जिससे उनका बच्चा बहुत ही विद्वान और योगी हो और भी कोई प्रश्न है तो आप सभी पूछ सकते हैं मुझे लगता है मैंने सभी प्रश्नों का जवाब दिया मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आप सभी योग को अपनाइए और कोशिश करिए कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए ये हमारे यहाँ योग में बहुत पहले से कहा जा रहा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह तीव्र गति से होता है बर्थडे का सेलिब्रेशन विशेष सावधानी उसमें आपको केक के ऊपर आप फूकते हैं ऐसे उसमें ड्रॉपलेट्स जाएंगे केक के ऊपर तो विशेष सावधानी रखना है इन सब बातों पे लोग ध्यान नहीं देते हैं तो बर्थडे में आप इस तरीके से जी कुसुम दत्ता जी मैं ऑनलाइन योगाभ्यास कराता हूँ मेरे योग केंद्र के माध्यम से डेढ़ सौ से अधिक योग टीचर जुड़े हुए हैं और इस समय पाँच सौ से अधिक लोग देश से विदेश से लोग योगाभ्यास करते हैं सर लेज़ी हो जाते हैं एक दो बार करते हैं पर अपनी लाइफ का इसको एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा कैसे बनाया जाए प्लीज़ इस पर प्रकाश डालने के हम आलस ना करें ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आलसी तो मैं भी था शुरू में लेकिन जब बीमार हुआ तो मुझे लगा कि अब आलस से काम नहीं चलेगा और जिनको भी आलस होता है वो हमसे जुड़ जाए उनका आलस निश्चित ही दूर हो जाएगा क्योंकि ढेर सारे आलस वाले लोग इस समय योग टीचर बन चुके हैं योगाभ्यास कर करके तो आपको धीरे धीरे पहले देखिए अगर किसी को आलस होता है तो सबसे पहले उनको दस पाँच पंद्रह मिनट देखिए योगाभ्यास करने के लिए आपको अलग से समय देने की आवश्यकता नहीं है जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं तो मैंने ये गोमुख आसन लगा लिया देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं कि मैं आपको देखिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं और मैंने ये एक आसन लगा लिया इसको कहते हैं गोमुख आसन देखिए आप तो क्या योगाभ्यास करने के लिए अलग से समय देने की आवश्यकता है नहीं अब गोमुखासन का अभ्यास जो योग का विशेषज्ञ है जो योग से जुड़ा हुआ है वो जानता है इसके बहुत ही ज़्यादा अभ्यास होते हैं इसके जा जितने भी सेक्सुअल ऑर्गेंस हैं उसमें ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है और ढेर सारी बीमारियों से हमको मुक्ति मिलती है फीमेल्स के लिए ये बेस्ट आसन होता है हार्मोनल बैलेंस के लिए गोमुखासन बहुत ही विशेष लाभकारी है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है गोमुखासन फीमेल्स के लिए इसी से के साथ साथ देखिए मैं आपको आसनों में जैसे सर्वश्रेष्ठ आसन है मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं आप गूगल पे डालिएगा आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन सिद्धासन सिद्धासन का अभ्यास ये आपकी एड़ी पीछे के रास्ते में लगाएंगे ऐसे पीछे के रास्ते पे एड़ी लगाएंगे मल रास्ते पे और मूत्र के रास्ते पे आप दूसरी एड़ी लगाएंगे ये सिद्धासन है सिद्धासन का अभ्यास आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं किसी भी समय बैठ के कर सकते हैं मैं इस समय भी कर रहा हूँ तो हमें योग को करने से ज्यादा योग को समझना आवश्यक है इसीलिए तो इसीलिए तो हमें जानना जरूरी है कि योग है क्या असल में योग का अभ्यास जो करते हैं वो जानते ही नहीं हैं बहुत बहुत से ज्यादा लोग योग को जानते ही नहीं हैं योग है क्या इसीलिए उनको लाभ प्राप्त नहीं होता ये सिद्धासन है देखिए सिद्धासन का अभ्यास करने से सारे रोग समाप्त हो जाते हैं स्पाइन की कैसी भी समस्या हो अगर आप इसका रेगुलर अभ्यास करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है इंटरनल ऑर्गेंस की ऑटोमेटिक मसाज होती है सेक्सुअल रोग जो बीमारियां हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं फर्टिलिटी इंक्रीज होती है मत्र मलमूत्र की जो समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो डिटेल में चर्चा करने के लिए हमें लगता है फिर से लाइव ही होना पड़े लेजी का देखिए मैं एक एक प्रश्न का जवाब दे दे रहा हूँ कि लेजी समाधान है कि आप दूसरा इसका उपाय पहले करना प्रारंभ करिए और योगाभ्यास करने के लिए देने की आवश्यकता आप अपने जीवनचर्या में अपने लाइफ में आप योगाभ्यास को इसको आप खाना खाने के, के, के देखिए मैं आप सभी को जो भी डाउट्स है उसको ठीक कर इसको एक पैर इस पे किया ये पैर इस पे किया पद्मासन लग गया ये बैठे बैठे आपका योगाभ्यास भी हो रहा है आप मैं आपसे लाइव डिस्कशन भी कर रहा हूं इसको करने से आपके पैर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है आपके इंटरनल ऑर्गेन स्ट्रांग होते हैं मूलाधार चक्र कहते हैं जहां पे हमारी कुंडलनी शक्ति होती है योग की भाषा में जानेंगे योग की जब आप पढ़ाई करेंगे योग के बारे में जानेंगे तो सबसे ज्यादा जो हमारा यहां पे होता है सेक्सुअल ऑर्गेन्स में और इसी से मूलाधार चक्र ईसु को कहते हैं यहीं पे कुंडलिनी शक्ति होती है यहीं पे बेस में ही कुंडलनी शक्ति होती है स्पाइनल कॉर्ड के बेस में कुंडलनी शक्ति होती है जब इन सब आसनों का अभ्यास करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति डेवलप होती है और सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं लाइव योगा क्लास लेते हैं क्या आप जी मैं लाइव योगा क्लास लेता हूं मैंने अपना फेसबुक पेज कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया है उससे आप कांटेक्ट करके आप योग के बारे में जान सकते हैं सर प्रेगनेंसी में भी योगा किया जाता है क्या हाँ जी बिल्कुल प्रेगनेंसी में भी योगा किया जाता है लेकिन जानना आवश्यक है कि कौन कौन सा योगाभ्यास प्रेगनेंसी के समय कर सकते हैं कोई भी पेट पे अधिक प्रेशर करने वाला योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं सात महीने तक जो है चक्की चालन कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र मंत्रियों का अभ्यास कर सकते हैं ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं योग निद्रा का अभ्यास प्रेगनेंसी में कर सकते हैं और बहुत ढेर सारे ऐसे अभ्यास हैं मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं जालंधर बंध मूल बंध का अभ्यास कर सकते हैं तो प्रेगनेंसी में हम ढेर सारे योगाभ्यास कर सकते हैं आप सभी से निवेदन है क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो योग के बारे में जानना आवश्यक है जब हम जान जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि कोई भी व्यक्ति जो ब्रीथ ले सकता है जो श्वास ले सकता है जो जिंदा है वो योगाभ्यास कर सकता है हमें इन भ्रांतियों को समझना होगा इनको दूर करना होगा कि योगाभ्यास नहीं कर सकता है योगाभ्यास करने के लिए अलग से समय देने की आवश्यकता नहीं है आप एक अच्छे योग टीचर से जुड़िए और अपने लाइफ में योग को जोड़ लीजिए आप बैठे हैं तो आसनों में बैठिए आप घर में कोई सामान उठा रहे हैं तो उसको आप समझिए कि मैं ताड़ासन कर रहा हूं आप कोई सामान ऐसे उठा रहे हैं तो ताड़ासन हो गया हो गया ना ताड़ासन तो इस तरीके से आप योग में भावनाएं इमोशंस इंटेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं सर एक दिन में कितने सूर्य नमस्कार करने चाहिए इस प्रश्न का जवाब है आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार आपकी बीमारियों के अनुसार आपके शरीर के अनुसार आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि आप पहले प्रारंभ करें तो एक दो बार अभ्यास करिए हम सभी योग टीचर एक बार प्रत्येक रविवार अभ्यास करते हैं सूर्य नमस्कार अभ्यास सीखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे ज्वाइन करेंगे तो वहां पर योगाभ्यास आपको मिल जाएगा लिंक क्या है टू ज्वाइन डैट आप मेरे कांटेक्ट पे कुसुम दत्ता जी ज्वाइन कर लीजिए आपको मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप ऑनलाइन योगाभ्यास कर सकती हैं आई एम वॉचिंग एस वेल थैंक्स जी तो हमें लगता है कि हमारा सेशन समाप्त होना चाहिए किसी का और कोई प्रश्न है तो आप सभी पूछ सकते हैं और इस पेज को अधिक से अधिक शेयर से करिए और आशा है कि आप सभी अपने प्रश्नों का उत्तर पा गए होंगे मैं आप सभी को एक बात फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि योग करने से ज़्यादा योग को समझना आवश्यक है यह एक वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में लिया जाता है लेकिन या कोई भी व्यक्ति जो ब्रीथ ले सकता है जो जिंदा है अभ्यास कर सकता है योग की तरह तरह सी शाखाएँ होती हैं जिसमें आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, सटकर्म ढेर सारे अभ्यास होते हैं और अलग अलग एज लिंग उम्र के साथ साथ अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार उन योगाभ्यास का चुनाव कर सकते हैं योग में किसी भी बीमारियों का समाधान है लेकिन समाधान को प्राप्त करने के लिए हमें यह समझना होगा कि हम कौन से योगाभ्यास और कितनी देर तक योगाभ्यास करना चाहिए कोई और किसी का प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिए जिससे मैं लाइव सेशन को समाप्त करूँ और आप सभी इस लाइव सेशन करिएगा जिससे सभी लोग जान सकें कि योगाभ्यास कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं बाकी आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर और अपना पेज शेयर कर दिया है इस पेज के जो एडमिन हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट करके मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दूरदर्शन पे मेरा स्वास्थ्य संजीवनी कार्यक्रम आता है उसमें आप देख के देख सकते हैं गूगल पे आप मेरा सिंपल नाम सर्च करेंगे प्रशांत शुक्ला आपको मेरे बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे और आप मेरे योग शिक्षकों से जुड़ के योगाभ्यास कर सकते हैं और अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं थैंक यू को शांतिमंद करते हैं आप करते हैं तो मैं आपको बाद में भी ओम उच्चारण तीन बार ओ सर्वे भवन, सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भाग भवेत् ओम शांति ही शांति ही शांति ही सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर से करिए और सभी लोग स्वस्थ रहिए निरोगी रहिए यही लास्ट में जो मंत्र है उसका उद्देश्य है और अधिक से अधिक लोग योग से जुड़िए हमारे अभ्यास कर सकते हैं और लोगों को भी जोड़ सकते हैं शेयर कर सकते हैं धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय भारत आप सभी स्वस्थ रहिए